अब देख रहे हैं हम क्वेश्चन, एन ओपैम हैज अ फाइनाइट ओपन लूप वोल्टेज गेन ऑफ 100, इट्स इनपुट ऑफसेट वोल्टेज इज इक्वल टू 5 मिलीवोल्ट, इज मॉडल्ड एज शोन इन द सर्किट बिलो, द एम्पलीफायर इज एन आइडियल एम्पलीफायर इन ऑल अदर रिस्पेक्ट्स, V इनपुट इज 25 मिलीवोल्ट। डायग्राम हमें यहाँ पे गिवन है, डायग्राम में हमें यहाँ पे एम्पलीफायर दिया है, इन्वर्टिंग टर्मिनल में जो फीडबैक रेजिस्टेंस है वो गिवन है 15 किलो ओम और इनपुट रेजिस्टेंस गिवन है 1 किलो ओम। और यहाँ पे पूछा गया है द आउटपुट वोल्टेज इन मिलीवोल्ट इज, यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज हमें यहाँ पे पूछा गया है और हमें कोई भी ऑप्शन यहाँ पे गिवन नहीं है, तो हम देखते हैं गिवन क्या है और सॉल्यूशन क्या है। तो क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास इनपुट ऑफसेट वोल्टेज जो है VIOS वो है हमारे पास प्लस 5 मिली वोल्ट, और इसमें जो इनपुट वोल्टेज है वो है Vin जो है वो है 25 मिली वोल्ट, और जो फीडबैक रेजिस्टेंस है RF जो है वो है 15 किलो ओम, R1 जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो है 1 किलो ओम, और यहाँ पे जो गेन दिया गया है AO, डायग्राम में हमें गेन दिया गया है AO जो है 100, और यहाँ पे हमें पूछा गया है कि जो आउटपुट वोल्टेज है वो हमारे पास क्या होगा इन द मिली वोल्ट, आउटपुट वोल्टेज जो है वो हमें कैलकुलेट करना है इन द टर्म्स ऑफ मिली वोल्ट। तो देखते हैं हम इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो सॉल्यूशन में हम फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले ओवरऑल इनपुट क्या होगा, तो ओवरऑल इनपुट इज इक्वल टू, ओवरऑल इनपुट इज इक्वल टू, हमारे पास दो इनपुट है, एक इनपुट ऑफसेट वोल्टेज और एक इनपुट वोल्टेज, इसलिए हमें टोटल इनपुट वोल्टेज यहाँ पे फाइंड आउट कर लेना पड़ेगा। तो वो होगा हमारा ओवरऑल इनपुट, वो होगा VIOS प्लस इनपुट वोल्टेज Vin, इसमें हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा ओवरऑल इनपुट, और वो होगा VIOS हमारे पास है 5 मिली वोल्ट प्लस इनपुट वोल्टेज है हमारे पास 25 मिली वोल्ट, तो टोटल हो जाएगा हमारे पास 5 मिलीवोल्ट प्लस 25 मिलीवोल्ट 30 मिलीवोल्ट, ये हो गया हमारे पास ओवरऑल इनपुट वोल्टेज। अब हम फाइंड आउट करेंगे आउटपुट वोल्टेज, द आउटपुट वोल्टेज फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास इक्वेशन रहेगी यहाँ पे 1 प्लस RF बाय R1 डिवाइड बाय 1 by AOL in the bracket 1 plus RF by R1। तो इस इक्वेशन से हम आउटपुट वोल्टेज फाइंड आउट करेंगे 1 plus RF by R1 divide by 1 plus 1 by AOL into 1 plus RF by R1 मल्टीप्लाई बाय दिस ओवरऑल इनपुट, जो भी ओवरऑल इनपुट है वी इन हमारे पास वो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस इक्वेशन में हम वैल्यू पुट करते हैं और इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो वैल्यू पुट करने के बाद ये इक्वेशन हमें मिल जाएगी आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू 1 प्लस RF बाय R1, RF हमें गिवन है यहाँ पे डायग्राम से 15 किलो ओम, तो हम 15 किलो ओम यहाँ पे पुट कर देंगे, डिवाइड बाय R1 हमें गिवन है 1 किलो ओम, तो हम यहाँ पे 1 किलो ओम पुट कर देंगे, डिवाइड बाय 1 प्लस 1 बाय AOL, AOL जो है उसकी वैल्यू गिवन है हमारे पास 100, तो वो पुट करेंगे 1 डिवाइड बाय 100 इनटू यहाँ पे 1 प्लस RF बाय R1, तो 1 प्लस 15K डिवाइड बाय 1K मल्टीप्लाई बाय ओवरऑल इनपुट, ओवरऑल जो इनपुट है वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया, वो मिला है हमें 30 मिली वोल्ट,
तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे 30 × 10⁻³। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन सिंप्लीफाई करके हमें मिल जाएगी। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 1 × 1 के 1 के प्लस 15 के डिवाइड बाय 1 के डिवाइड बाय दिस 1 प्लस 1/100 इनटू दिस 1 के प्लस 15 के डिवाइड बाय अगेन 1 के मल्टीप्लाई बाय 30 × 10⁻³। इसको अगेन सिंप्लीफाई करते हैं तो ये मिल जाएगा 16 के डिवाइड बाय 1 के डिवाइड बाय 1 प्लस 1/100 इनटू ये हो जाएगा 1 के प्लस 15 के 16 के डिवाइड बाय 1 के मल्टीप्लाई बाय 30 × 10⁻³। ये के से के यहाँ पे कट जाएगा, यहाँ से के कट जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारा अगेन इसको अगर सिंप्लीफाई करते तो ये हो जाएगा 16 डिवाइड बाय 100 1 प्लस 16 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 30 × 10⁻³। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें फाइनल आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे मिल जाएगा 413.79 मिली वोल्ट। हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो आउटपुट वोल्टेज है वो हमें मिली वोल्ट में फाइंड आउट करना है, तो हमारा यहाँ पे मिली वोल्ट में ही आंसर आ रहा है अगर इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो टोटल। तो इसका हमारा आंसर जो आ रहा है आउटपुट वोल्टेज का ऑफ दिस एम्पलीफायर डायग्राम से, तो वो आ रहा है 413.79 मिली वोल्ट। सो आउटपुट वोल्टेज इन मिली वोल्ट इज राइट आंसर।